फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप होता है कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो डिसाइड करता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, और फिजिकल प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर देता है। ये फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब फंक्शन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को उस पर डिपेंड करता है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होता है लिख लेते हैं हम लोग, ये सी ओ एच, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, नोट कर लीजिए, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। फिर है सी डबल बॉन्ड ओ एसिड, इसको सीओ लिखते हैं, ये है कीटोन। फिर होता है, ये मैंने ओपन छोड़ा, मतलब यहाँ पे ओपन वैलेंसी है, यहाँ पे जुड़ेगा जाके, ये जो डैश दिखा रखा है ना, यहाँ जाके ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ेगा ये फंक्शनल ग्रुप। ओके, नहीं समझाई बात? जैसे जैसे CH3 COOH, तो मैंने ये सिर्फ इतना पार्ट दिखाया, CH3 के साथ ऐसे जुड़ेगा ना ये, नहीं समझ आई बात है? देखो CH3 CH2 COOH ऐसे है ना, ये है फंक्शनल ग्रुप और ये है कार्बन चेन। ओके, तो मैं जो यहां दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप दिखा रहा हूँ, कार्बन चेन नहीं दिखा रहा। तो यहां पर मैंने ओपन छोड़ दिया ना, यहाँ पे मतलब यहां से कार्बन चेन के साथ जुड़ेगा। अब यहाँ दो ओपन छोड़े हैं, मतलब ये दो साइड से जुड़ता है, ये दो साइड से जुड़ेगा कीटोन। तो ये ई कंफ्यूज मत हो जाना कि ये डैश था क्या है, डैश का मतलब ये यहाँ से कार्बन चेन के साथ जुड़ेगा। अच्छा अब अगला क्या है कि एल्डिहाइड, CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, ये ऐसे होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब मैंने यहाँ एक डैश मारा है, मतलब ये एक जगह से जुड़ेगा कार्बन चेन के साथ, ये दो जगह से जुड़ता है ऊपर, ठीक है। सो ये एल्डिहाइड है, ओके, CHO एल्डिहाइड है। फिर SO3H सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, फिर है एस्टर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, आर इज एनी एल्काइल ग्रुप, एनी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप मतलब जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, बहुत सारे, एल्केन होता है ना, एल्केन, एल्केन में से एक क्या हटा दो एल्काइल बन जाता है, तो यहाँ आर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये एस्टर, एस्टर, इसको ऐसे लिख देते हैं सी ओ ओ आर, ऐसे लिखा होता है सी ओ ओ आर, ठीक है, एस्टर। फिर एनहाइड्राइड सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे, ये है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, इसको ऐसे लिख देते हैं सी ओ, इसको ना एक्चुअली ऐसे लिखा होता है सी ओ ट्वाइस ओ, यहाँ पे एक बीच में ऐसे डैश, ऐसे लिखा होता है इसको, ठीक है ना, एनहाइड्राइड हो गया। फिर है एस एसिड हैलाइड्स, ये सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, ये होते हैं एसिड हैलाइड्स, एक्स हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, तो जैसे एसिड फ्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड क्लोराइड, इस तरह से एसिड हैलाइड, इसको ऐसे लिख देते हैं सी ओ एक्स। फिर होता है एसिड अमाइड, इसको सिर्फ अमाइड भी लिख देते हैं, अमाइड। फिर होता है सी एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन नाइट्राइल। फिर एक होता है ओ एच, ओ एच ये एल्कोहल है। फिर एक होता है एस एच नाइट्राइल, ये थायोल होता है। फिर होता है NH2, ये अमाइन होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं।
आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ आपको कंपाउंड्स दिए हैं, आपको इनमें ये बताना है फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं। देखो 1 2 3 3 कंपाउंड दिए, तो पहले देखते हैं। सी एच मतलब एल्डिहाइड, ओ एच मतलब ये ना फिनॉल एल्कोहल मत लिख देना, ये फिनॉल होता है, ये बेंजीन है ना, बेंजीन के साथ अगर ओ एच लगा होना तो उसको फिनॉल बोलते हैं, ध्यान रखना, डायरेक्टली लगा होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। फिर डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड दिख रहे हो, डबल बॉन्ड इज ऑल्सो ए फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड। फिर ये ओ एम ई, एम ई का मतलब सी एस थ्री होता है मिथाइल, एम ई का मतलब मिथाइल होता है, तो ओ सी एस थ्री, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, इसको ईथर बोलते हैं। ओ आर को क्या बोलते हैं, ईथर, समझ में आ गई बात है। आर कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप, इस केस में एल्काइल ग्रुप एम ई था, एम ई का मतलब मिथाइल सी एस थ्री, समझ आ गया, ईथर। तो चार है यहाँ पे, ओके नेक्स्ट बी बी कंपाउंड देखो। अच्छा ये है NH2, क्या था, अमाइन। अमाइन की ना डिग्री होती है 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन या फिर 3 डिग्री अमाइन। वो पता है कैसे पता चलता है, अगर नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री अमाइन होता है, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो वो 2 डिग्री अमाइन होता है, अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा तो 4 3 डिग्री अमाइन होता है, अगर नाइट्रोजन 4 कार्बन से जुड़ा तो क्वार्टरनरी अमाइन होता है, 4 डिग्री, ठीक है बात है, होता है। देखो अब सो दिस NH2 इज 1 डिग्री अमाइन क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ, फिर ये डबल बॉन्ड आ गया एक फंक्शनल ग्रुप, ये क्या ये एस्टर नहीं है, देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये एस्टर होता है ना, देखो चेक करो लिस्ट में, सी डबल बॉन्ड ओ, ये एस्टर है ना, दिस इज एस्टर, ये क्या है 3 डिग्री अमाइन है, देखो एन, यहाँ नाइट्रोजन एक तरफ तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और CH2 5 होल ट्वाइस, मतलब क्या है ये एन C2H5, C2H5 और इधर CH2 एंड सो ऑन, सारा मॉलिक्यूल, तो ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री अमाइन है, क्लियर हो गया बातें, क्लियर है। नेक्स्ट यहां पे एक नाइट्रो है, एक डबल बॉन्ड है, क्लियर हो गया।